कंप्लर में अलग अलग मोड्स होते हैं, लाइक यहाँ पे मैं देख सकता हूँ हेक्सा डेटा, एग्जीक्यूट टेक्स्ट। तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो है सर्च करना इस एरर मैसेज को। मैं सर्च करता हूँ, ध्यान रखिएगा जो आप टेक्स्ट पे डालें बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं। अगर कैपिटल लेटर है तो कैपिटल, अगर स्मॉल है तो स्मॉल। कोट जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ये टेक्स्ट एरर मैसेज का यहाँ पे कॉपी करके कर दिया है और इसको हम सर्च करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिल गया है इसका ये टेक्स्ट, और अपने जस्ट इसके ऊपर आते हैं तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे रेफर्ड बाय अनकंडीशनल और कंडीशनल जंप एट एड्रेस। इसमें होता क्या है कि अगर सपोज यहाँ एरर मैसेज आ रहा है, दैट मीन्स एग्जीक्यूशन इसका हो रहा है इन एड्रेस से। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एड्रेसेस हैं। जो हमारा की काम कर रहा है वो इन 9 एड्रेसेस पे जाके काम कर रहा है। सपोज हम कोई भी की डालते हैं, वो यहाँ पे जाके चेक करता है कि कंडीशन कौन सी है। ठीक है, थोड़ा इस ट्यूटोरियल को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है अगर आपको असेंबली लैंग्वेज की बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो, बट उसके लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन है। मैं आपको एक स्लाइड दिखा देता हूँ जिसके अंदर, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फंडामेंटल फंक्शंस इन असेंबली लैंग्वेजेस आर। सपोज अगर कहीं पे कोड यूज हो रहा है 75, दैट मीन्स इट इज जंप इफ नॉट इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो जंप करना है, अगर 74 है तो जंप इफ इक्वल, और अगर 77 है तो जंप इफ अबो। इट इज जंप इफ अबो एंड 86 है तो जंप इफ नॉट अबो। इसको ज़्यादा आप बेटर अंडरस्टैंड करेंगे जब हम इस